इट्स ओके यार, डोंट बी एंग्री। तूने ही बोला था ना गेम में हारने वाले भी जीतते हैं। ये बड़ा था 11 विकेट्स का अपना लीग में टीम बनाने वालों की जीत पक्की होती है, चाहे वो हारे या जीते। ये बोला था। तो गाइस आज की वीडियो स्पॉन्सर की हुई है 11wickets.com है, बहुत ही जबरदस्त फैंटसी एप्लीकेशन। एक बार आपको जरूर ट्राई कीजिएगा इसको, आपको क्रिकेट मैच मिल जाएंगे और फुटबॉल लवर हो तो फुटबॉल के मैच भी आपको मिल जाएंगे। यूरो हो रहे हैं तो उसमें आप अपनी टीम लगा सकते हो। और आज की वीडियो में बात करने वाले फर्स्ट डिपॉजिट के बारे में, तो आप सबसे पहले अपने मोर में जाइए, वहाँ पे ऑफर सेक्शन में जाइए और जैसे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा FTD50 वाला, ये जो है ना प्रोमो कोड, ये आपको यूज़ करना है अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करो 11wickets में। और आपको फिर 5000 रुपये का जो है बोनस मिल सकता है। यस बिल्कुल, आपको 50% जो है वो बोनस मिलेगा FTD50 यूज़ करके प्रोमो कोड। और नीचे आपको ईमेल भी मिल जाएगी, अगर आपको कोई इशू होता है तो इस पर आप ईमेल भी कर सकते हो। इनके टर्म एंड कंडीशन ये लिखे हुए हैं, ये भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये कोड तभी अप्लीकेबल होगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसे डिपॉजिट कर रहे हो, और साथ में कोड जो है प्रोमो कोड ये यूज़ करना मत भूलिएगा FTD50। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, इस पे जाके आप सिर्फ उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। तो बस देरी किसी बात की, जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बिग बिग जो है अमाउंट के विनिंग्स आप इसमें कर सकते हो। मेक योर टीम नाउ। देखते हैं, कमॉन बेल। और बेल ने बहुत बढ़िया पेनल्टी लाई है। नहीं, ओह यस, कमॉन। ओह एक बार फिर से शूट और यहां पे ओपन गोल और गोल सकते हैं फिलहाल, बिल्कुल इन जा रहे हैं और यहाँ पे शूट और बहुत बेहतरीन गोल। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, फिर से आपका स्वागत है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कैरियर मोड के एपिसोड 4 में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो पहला क्वेश्चन है, भाई व्हाई आर यू नॉट बाइंग इंडियन प्लेयर्स? भाई इसमें इंडियन प्लेयर अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ फॉरेन ओवरसीज प्लेयर ही अवेलेबल है। प्लीज बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भाई इतना हमारे पास बजट नहीं है उनको खरीदने के अंदर। दूसरी बात, वो हमारे पास अभी अवेलेबल भी नहीं है, लीजेंड में मिल सकते लेकिन हायर डिवीजन में जाके। भाई आप 70+ रेटिंग वाला प्लेयर लो, देन आपको लेजेंडरी प्लेयर मिलेगा। थैंक्स फॉर सजेशन, हम जरूर इसको ट्राई करेंगे। और आप अपनी PCQ लिख के क्वेश्चन नीचे डाल सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। इस एपिसोड का आरंभ भी आज ब्रॉन्ज कप से होने वाला है। पहला मैच खेलने वाले हम बोर्नमंथ के साथ और ये टीम लीग में ही सबसे ऊपर चल रही है, तो इससे थोड़ा खतरा हमको हो सकता है। अगर यहाँ से हम हारते इस मैच को तो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे ब्रॉन्ज कप से। और एक और दुखदायक खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि हम ग्लोबल चैलेंज कप से बाहर हो चुके हैं। यस बिल्कुल, हमने देखा लास्ट एपिसोड में कैसा था ड्रा खेला था, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ना इंजरी टाइम में लास्ट गोल जड़ गई और उसकी वजह से हमने नंबर 3 पे फिनिश किया और नंबर जो टॉप 2 की फिनिश है वो क्वालिफाई हो चुके हैं और हम हो चुके हैं बाहर इस सीजन ग्लोबल चैलेंज कप से। और इसी की वजह से हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो पाएगा, राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने का GEC कप में। हम ग्रुप स्टेज से जो बाहर हो चुके और हमारे 10 गेम्स भी चले गए अभी। खैर अब हम इस मैच में देखते हैं क्या होता है, इसको तो जितना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वरना हम ब्रॉन्ज कप से भी बाहर हो जाएंगे। फिलहाल आपके सामने लाइनअप, विल्सन जो है बोर्नमंथ के वो काफ़ी बढ़िया है और भी काफ़ी प्लेयर अच्छे हैं, 60 के ऊपर सभी की ओवरऑल रेटिंग है, तो हमको थोड़ा संभलना जरूर पड़ेगा। बेल को खिला रहा हूं मैं इस मैच में, बड़े मैच में मैं नहीं चाहता कि कुछ वो गड़बड़ हो जाए, लेकिन कैप्टन जो है वो आई थिंक बॉली है। ओके, तो गाइस ये हमारा अवे मुकाबला है, यानी कि हम अवे से खेल रहे हैं और होम जो है वो है बोर्नमंथ का और काफ़ी बढ़िया टीम है ये। विराट कोहली आज इस सीज़न, इनके पास सिर्फ 3 ही कप उठाने का मौका है, एक वो छूट चुका है ग्लोबल चैलेंज कप का। तो चलिए इस मैच को किसी भी हाल में नहीं हारना चाहेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। किक ऑफ हो चुके हैं यहाँ पे, स्टार्ट पेस भी है इनके पास। अरे यार क्या था ये, बेल निकल चुका है, बॉल नहीं निकल चुका है फिलहाल, बॉली इस बार नहीं। और ये फाउल दिया यार, और रेड कार्ड, बिल्कुल रेड कार्ड बनता है यहाँ पे सिमन को, बहुत ही गंदा टैकल लगाया था यहाँ पे बॉली को, अभी इंजर्ड भी ना हो चुके हो फिलहाल। मैं जो फ्री किक है यहाँ पे मैं वो देना चाहूंगा बेल को, कमॉन बेल शूट यहाँ पे, वो मेरे को गोल स्कोर चाहिए फ्री किक में, यू कैन डू इट। चलिए देखते हैं जी, कमॉन बेल। और अबे ये क्या था, और यहाँ पे ये मौका है लेकिन फिर से बॉली ने गवा दिया। यहाँ पे राइट फ्लैंक से गेंद आई थी, क्रॉस डाला था लेकिन बॉली उसको हेडर अच्छे फिनिश नहीं कर पाया उस हेडर के साथ, काफी घटिया शूट। बेल के पास मौका है अभी बेल के पास ओपन मौका है और ये इस मौके को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहेंगे और यहाँ पे गोल मिलेगा बेल को फाइनली। 45th मिनट यहाँ पे हो चुके थे, इंजरी टाइम चल रहा था इन फर्स्ट हाफ का और कमाल, लेकिन यहाँ पे ऑफ साइड नहीं है ये। ओ फाइनली ही इज ऑफ साइड, अगर ये ऑफ ना होता ना तो ये गाइस पक्का गोल आ गया था।
काफी आउटसाइड है ये। और ये क्या था, ये क्या किया बॉर्नमंथ के कीपर ने, गेंद दे रहा था ये अपने डिफेंडर को और डिफेंडर पीछे हट गया और बेल एक ही टच में वन टच में गोल कर दिया। शानदार गोल, ये लकी गोल है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। और गलती, बहुत बड़ी गलती यहाँ पे बॉर्नमंथ के डिफेंस के द्वारा और गोलकीपर के द्वारा। और यहाँ पे गड़बड़, और यहाँ पे ओपन था ये, बहुत ही ज्यादा ओपन था नेट बिलिंग के लिए, हमारी तरफ से गलती थी इस बार। ये देखिए पास में गलत जगह दिया लेकिन शूट वो सही से कर नहीं पाए। ओके बहुत ही बड़ा टैकल और इसी के साथ मैच जीत चुके हैं, 90 मिनट्स ओवर हो चुके हैं दो गोल के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। चलिए इस ब्रॉन्ज कप के वो नेक्स्ट राउंड में तो पहुंच चुके हैं। गर्थ बेल बने मैन ऑफ द मैच, आई थिंक दो गोल, दोनों के दोनों गोल इसी ने लगाए और लीग मैच में फिलहाल सबसे ऊपर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर चल रहे हैं और दूसरे पे बॉर्नमाउथ जो कभी हम हरा के आए हैं, एक ही पॉइंट का गैप है, देखते हैं क्या टॉप टू में फिनिश कर पाएंगे हम इस बार। नेक्स्ट मैच होने जा रहा है हमारा ब्रॉन्ज कप का एक क्वार्टर फाइनल मैच, तो इसमें भी जीतना बहुत ही जरूरी, भेल क्वीन कर रहा हूं मैं और ये हमारा मैच जो है ग्रोनी गन के साथ में। फिलहाल हम बॉर्नमाउथ को हरा चुके हैं, इसको हराना भी आई थिंक इजी रह सकता है क्या या फिर डिफिकल्ट, खैर वो तो चलेगा। फिलहाल इस मैच में हमारा होम स्टेडियम है, होम स्टेडियम में खेल रहे हैं और कुछ खास नहीं है, अभी स्कोर बिल्ड करना पड़ेगा हमको डिवीजन फोर में जाके। विराट कोहली की लाइनअप काफ़ी बढ़िया लग रही है, सभी वो फॉर्म में लग रहे हैं मुझे प्लेयर। और सामने की टीम रॉबर्न ड्रॉस्ट वैन वेट, काफ़ी बढ़िया नाम दिख रहे हैं मुझे, देखना होगा क्या कर सकते हैं। ओके तो चलिए जी बेल तैयार हैं किक ऑफ के लिए, किक ऑफ हो चुके स्टार्ट यहाँ पे में पीछे, चलो बेल और यहाँ पे गोल, व्हाट अ असिस्ट बाय बेल, मार्टिन बॉली ने गोल किया है, बॉली पे गोल किया है और यहाँ पे लेफ्ट विंग से आगे बढ़ रहे थे गर्थ बेल, देखिए यहाँ पे क्रॉस लवली और यहाँ पे लेफ्ट फुट से इस गोल को अंजाम दिया है बॉली ने, बहुत ही शानदार गोल। और यहाँ पे फिर से थ्रू बॉल दिए बेल को, अब भाई बेल के पास चांस है गोल करने का, असिस्ट नहीं अब गोल करने का चांस है और गोल करना कभी नहीं चूकेंगे। टॉप कॉर्नर में गर्थ बेल गोल नंबर टू आता हुआ हमारे लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए और अब यहाँ से मुकाबला आसान हो चुका है जीतना। ये देखिए शानदार गोल, यहाँ पे फिलहाल बेल के पास फिर से मौका है, कम ऑन बेल, बेल इसका नाम और बेल गोल नंबर थ्री, आधे टाइम मतलब हाफ टाइम में ही वो तीन गोल की लीड मिल चुकी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। अभी चांस जरूर है बॉली के पास और रे हिट द पोस्ट, हाउ लकी यू आर ब्रो। और ये पेनल्टी, यस फाइनली इट्स पेनल्टी और येलो कार्ड भी मिलेगा यहाँ पे। टैकल देखिए कितना गंदा है यहाँ पे और डेजर्स हैं अभी यार, डेजर्स मैं आई थिंक राइट पे नहीं जाऊँगा, इधर इस साइड जाने चाहूंगा मैं, क्या गोल लगा पाएंगे। और बिल्कुल बढ़िया पेनल्टी लगाई है डेजर ने, बेल ने लगाई थी लास्ट एपिसोड में बिल्कुल उसी का एक्शन रिप्ले, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर में उसने राइट में लगाया था, बहुत ही बढ़िया ठीक है बॉल दिए यार। और ये फाउल भी है, बहुत गंदा फाउल है, इसको येलो कार्ड मिलना चाहिए इसके लिए बिल्कुल। और अब हमारे पास है फ्री किक, सब्स्टिट्यूशन होती है यहाँ पे फिलहाल कुछ, और फ्री किक है तो फिर थोड़ा वो दिलचस्प का नजारा हो जाए। और ये गोल, क्या गोल, ये सीजन का सबसे बेस्ट गोल लगाया है पोटर ने, ये देखिए यार कितना दूर से और बॉटम कॉर्नर में लगाया, बॉटम राइट कॉर्नर में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना शानदार गोल आएगा, कोई चांस नहीं गोलकीपर के पास इसको रोकने का। तो 5-0 से मुकाबला जीत लिया और क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो नेक्स्ट मुकाबला हमारा फिर से बॉर्नमाउथ के साथ, लेकिन अभी ये टीम नंबर टू पे चल रही है लीग में और हम चले नंबर वन पे, तो जो भी ये मैच जीतेगा आई थिंक वो टॉप पे चली जाएगी, तो ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। तो चलिए मैच हो चुका है स्टार्ट और ये हम अभी मुकाबला खेल रहे हैं, बिल्कुल अभी मुकाबला ही बॉर्नमाउथ का होम स्टेडियम में और हम आए वहाँ पे खेलने के लिए, काफ़ी बढ़िया जर्सी है बॉर्नमाउथ की, हम भी अपडेट कर लेंगे नेक्स्ट सीजन। फिलहाल लाइन अप के सामने जो खेलने वाली हैं तो डायरेक्ट चलते हैं हम किक ऑफ की तरफ, चलिए जी किक हो चुके स्टार्ट यहाँ पे। अरे नहीं नहीं भाव नहीं भाव नहीं, यहाँ पे गोल बॉर्नमाउथ का, ओ नो पहला गोल आ चुका है हम पे यार, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, वो देखिए पास बहुत जबरदस्त मिला और फिनिश तो देखिए भाई साहब का तगड़ा फिनिश। ओ बेल के पास मौका है, बेल के पास मौका, ओ बेल ने इक्वलाइजर गोल दाग दिया गाइस फाइनली, गर्थ बेल क्या बात है, फाइनली इक्वलाइजर गोल आ चुका है, अब यहाँ पे लीड लेनी होगी हमको।
बहुत बढ़िया सेव, बोलेंगे हम गोलकीपर का वॉली, और एक और बेहतरीन सेव गोलकीपर कति जैरिन का। अब क्या फिर से वो कॉर्नर से फायदा उठा सकती है, कमॉन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, एक गोल की बातें लीड मिलनी चाहिए हमको। और इस बार भी बढ़िया हेडर है, और इस बार गोल भी, गोल है, यस बिल्कुल पोटर का गोल आया इस बार। पोटर हेडर जो है ना वो बहुत ही बढ़िया लगाता है, इसलिए इसको मैं प्लेइंग 11 पे रखता हूं। तो एक गोल की लीड मिल चुकी है हमको हाफ टाइम से, पहले ही पिछड़ रहे थे लेकिन अब ऊपर आ चुके हैं, आ तो गए हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा पेनल्टी, बेल को पेनल्टी, टैकल आया बेल के ऊपर, और यहाँ पे येलो कार्ड बिल्कुल बनता है रिको को। चलिए पेनल्टी के चले भी एक गोल की लीड और मिल सकती है। बेल कहाँ पे फिनिश करना चाहेंगे, मैं थोड़ा राइट में ही जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं क्या होता है। ओरे यार क्या सेव किया है गोलकीपर ने, अब एक गोल क्या यहाँ से आ सकता है। नहीं यहाँ पे हमको भी लीड मिली होती वो गोल की। ओके फिलहाल फिर से मौका है, और नहीं शूट में दम नहीं था इस बार बेल के। तो बनाया है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने, क्या इसको कन्वर्ट कर पाएंगे गोल में? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि बेल जब हो ना वॉली उनको मिले तो गोल ना हो ऐसा बहुत कम होता है। गर्थ बेल एक और गोल, यानी कि दो गोल की लीड हो चुकी है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के पास इस मैच में। अब यहाँ पे इंजरी टाइम हुआ समाप्त, और इस मैच को जीत लिया है। पिछड़ रहे थे गोल से, पहले एक गोल आ गया था बॉर्नमथ का, लेकिन उसके बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की बहुत बढ़िया वापसी, और गर्थ बेल बने मैन ऑफ द मैच। तो नेक्स्ट मैच होना है हमारा ग्लासगो के साथ सेमीफाइनल ब्रॉन्ज कप का। अगर लीग में देखें तो ये टीम ग्लासगो ये नंबर 4 पे चल रही है पॉइंट टेबल में, तो हमको थोड़ा सा वो हमको चार्ज करना पड़ेगा, हमारा प्लेइंग लाइनअप काफ़ी थक चुका है। तो मैच चुका है तैयार सेमीफाइनल का ब्रॉन्ज कप के, ये जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से हारते ना तो फिर वो वापसी कर नहीं पाएंगे ब्रॉन्ज कप में। 4 मेडल जीते थे लास्ट सीजन, लेकिन इस सीजन 3 मेडल जीतने का मौका है विराट कोहली के पास, काफ़ी बढ़िया टीम है सामने वाली। तो चलिए जी देखते, फिलहाल मैच हो चुका है शुरू, और यहाँ पे वो किक ऑफ हो चुके स्टार्ट। कम ऑन लॉन्ग रेंज शूट लेके देखेंगे। ओ बेल क्या बात है, ये शूट तो बहुत ही जबरदस्त था गाइस, मतलब कोई चांस ही नहीं था गोलकीपर के पास रोने का, और बेल ने गोल की लीड दिला दिया रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को। यस लेग टू फुट से आया मेरे हिसाब से, बहुत ही बढ़िया गोल। ओ ये बॉली के पास मौका, बॉली मार्टिन बॉली, क्या बात है बॉस, दूसरे गोल की लीड मिल चुकी है यहाँ पे। पासिंग बहुत ही बढ़िया हुई हमारे प्लेयर्स के बीच में, अच्छा तालमेल, और यहाँ पे एक और गोल आता हुआ। अब जीत पक्की हो चुकी है इस सेमीफाइनल में हमारी। फिलहाल यहाँ पे वो एक ही मिनट बचा है, और इसी के चलते हो चुका है फाइनल में प्रवेश रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का ब्रॉन्ज कप के। ब्रॉन्ज कप हमको कैसे भी करके जीतना होगा, जीसी कप हम नहीं जीत पाए, लेकिन गर्थ बेल बने मैन ऑफ द मैच, और फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं हम। देखते हैं फाइनल में किसके साथ टक्कर होगी हमारी। तो फाइनल मुकाबला होगा नॉटिंघम के साथ, दो गोल की लीड है। हमारा जो लास्ट सीजन का आई थिंक वो भी नॉटिंघम के साथ ही था यार, बिल्कुल मतलब हर बार ये फाइनल में पहुंच जाती है टीम, अच्छी टीम लगती है मुझे, इस बार बचना होगा इनसे हमको। तो गाइस ये था हमारा आज का लास्ट मुकाबला इस एपिसोड का, और नेक्स्ट एपिसोड में हमारे दो बड़े मैच है, एक तो है हमारा मुथूट डिवीजन का लास्ट मैच जिसके बाद हमारा लीग जो है जीत जाएंगे, और दूसरा जो बड़ा मुकाबला है वो है ब्रॉन्ज कप का, वो भी हमको जीतना पड़ेगा अगर वो ट्रॉफी उठानी है। तो बस अगर आपके एपिसोड पसंद आया नीचे लाइक वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन भी यहाँ से प्रेस कर लीजिएगा। और इसका जो लाइक है वो हम रखते हैं 100 का यार, आप सपोर्ट आजकल दिखा नहीं रहे ऐसी वीडियो पे, तो जल्दी भाई 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, तभी हम जो है नेक्स्ट एपिसोड इसका लेके आएंगे। बाकी आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर टैप करके हमको DM आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।